मोर्चे पाबंद रहेंगे और कोई भी पुलिस प्रशासन मोर्चों की तरफ देखने की कोशिश मत करना। ये मोर्चे हम रहे ना रहे, मोर्चे बगैर बातचीत के हट नहीं सकते। किसान एकता जिंदाबाद, ये कान खोल कर सुन ले पुलिस प्रशासन। अगर मोर्चों की तरफ आपने देखा तो थाने हर गांव गांव में थाने हैं, हर जिले में। जो भी इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो किसान वहां डिस्टर्ब करेगा इनको। ये किसान के परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमको अपना खेत का भी काम करना है और मोर्चों पे भी किसानों को रहना है, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरुआत हुई है देश में, MSP दिलाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ का एक नारा देश में लग चुका है। उसके कम पे किसान अपनी फसलों को नहीं बेचेगा। भारत सरकार MSP पे कानून बना में 3 बिलों को वापसी दे, और एक नई मंडी जरूर खुलेगी देश में, वो है पार्लियामेंट में। किसान की फसल अगर कहीं नहीं बिखरी तो किसान अपना लेकर आ सकता है, वहां पे 10 क्विंटल ले आ, उसको भी तजर्बा हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और कही है कि फसल अपनी कहीं पे भी देश में ले जाकर बेच सकता है, तो किसान अपने ट्रैक्टर में ले आवे, अपनी गाड़ी में ले आवे और पार्लियामेंट पे जरूर उसकी फसल बिक जाएगी, वहां पे ले आवे। नई मंडी है वहां पे, उसके भाव तय हुए है मंडी पे। अपने 5 क्विंटल ले आवे, 10 क्विंटल ले आवे, 2 क्विंटल ले आवे, ये ट्रैक्टर को बंद कर रहे तो अपनी गाड़ी में ले आवे, ट्रक में ले आवे, तो पार्लियामेंट पे जरूर उसका भाव मिल जाएगा। राजस्थान के लोग जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जा सकते हैं, अगर उसको वहां पे भाव नहीं मिल रहा तो पार्लियामेंट में जरूर उसका भाव मिल जाएगा। और पार्लियामेंट चलनी भी शुरू हो जाएगी, शायद 8 तारीख तक चल भी रही है। भारत सरकार का जो ये कह रहे कि MSP है और रहेगी और MSP पर खरीद हो रही है तो कल पता चल जाएगा। उसके बाद में चने वाली आ रही है, मसूर की आ रही है, गेहूं की आ रही है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, और यहाँ ये UP तक, राजस्थान तक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में बहुत सी फसलें MSP की आ जाएगी। और एक नई मंडी जरूर खुलेगी देश में, वो है पार्लियामेंट में। किसान की फसल अगर कहीं नहीं बिखरी तो किसान अपना लेकर आ सकता है वहाँ पे। 10 क्विंटल ले आ, उसको भी तजर्बा हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कही है कि फसल अपनी कहीं पे भी देश में ले जाकर बेच सकता है, तो किसान अपने ट्रैक्टर में ले आवे, अपनी गाड़ी में ले आवे और पार्लियामेंट पे जरूर उसकी फसल बिक जाएगी, वहां पे ले आवे। नई मंडी है वहां पे, उसके भाव तय हुए हैं मंडी पे। अपने 5 क्विंटल ले आवे, 10 क्विंटल ले आवे, 2 क्विंटल ले आवे, ये ट्रैक्टर को बंद कर रहे तो अपनी गाड़ी में ले आवे, ट्रक में ले आवे, तो पार्लियामेंट पे जरूर उसका भाव मिल जाएगा। राजस्थान के लोग जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जा सकते हैं, अगर उसको वहां पे भाव नहीं मिल रहा तो पार्लियामेंट में जरूर उसका भाव मिल जाएगा। और पार्लियामेंट चलनी भी शुरू हो जाएगी, शायद 8 तारीख तक चल भी रही है। तो ये शुरुआत हुई है देश में, MSP दिलाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ का एक नारा देश में लग चुका है। उसके कम पे किसान अपनी फसलों को नहीं बेचेगा। भारत सरकार MSP पे कानून बना में 3 बिलों को वापसी दे, ये एक आंदोलन की शुरुआत हो गई है। सरकार तो कहीं है ही नहीं, मिलेगी सरकार 1-8 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में सरकार जरूर मिल जाएगी। इन किसानों को पूर्ण रूप से आना पड़ेगा, दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, अपनी फसलों को MSP से कम पे ना किसान बेचे, और जहां अगर कोई रोकता है वहीं बैठ जाए। पहले भी वार्ता सरकारों ने खुद संपर्क करा और अब की बार भी सरकार संपर्क करेगी तो किसान बातचीत करेगा। और मंडी का मतलब MSP पे खरीद नहीं है, मंडी का मतलब तो एक किस्म से लूट है, वहां पर सस्ते में लूट होती है। हमने कई साल से सरकारों का कि मंडी में MSP से नीचे पर खरीदना हो, ये कानून तो 10 साल पहले पुराना बन जाना चाहिए था, लेकिन आज ये है कि जितनी भी 23 फसलें हैं MSP से नीचे खरीदना हो, ये कानून बनाना पड़ेगा। MSP की जितनी फसलें हैं उसको डिजिटल इंडिया कैंपेन से, जो प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, उससे उसको जोड़ना पड़ेगा कि किसानों की फसलें बिकी, उसके अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर हो गया। तो ये सारी चीजें, ये योजनाएं सरकारों को लागू करनी पड़ेगी। किसान अपने सामान को लेकर दिल्ली की तरफ को चलेंगे, कोई पुलिस प्रशासन, कोई विभाग, मंडी, कोई उनको रोकता है तो वो उसको MSP पर खरीद कर ले, और नहीं तो उसको दिल्ली आने दे, पार्लियामेंट पे उसका जरूर बिक जाएगा।
ये हमारा सवाल है। और पूरी दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा और हिंदुस्तान इसकी लीड करेगा। और ये हो गया है फ्रांस और जर्मनी में, कई देशों में इस पे कानून बन गए हैं, दो देश पे। और पूरी दुनिया में आंदोलन जो होगा वो ट्रैक्टर से किसानों का आंदोलन होगा। फ्रांस की सड़कों पे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आए, यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर चले। तो ये दुनिया की एक किसान की पहचान ट्रैक्टर होगी, उसी से ही आंदोलन होंगे। और एमएसपी पे नीचे पे खरीद ना हो, पूरी दुनिया में भूख पे व्यापार ना हो, इसके लड़ाई, ये लड़ाई पूरी दुनिया के किसानों को, आम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत की संसद में, पार्लियामेंट में ये बहस हुई है और उसके रेट तय हुए हैं फसलों के। तो कम से कम जहाँ पर रेट तय हुए हैं, अगर देश में कहीं खरीद नहीं हो रही है, तो इसका मतलब पक्का होगा कि वहाँ तो खरीद जरूर होगी। तो किसान अपना 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल अपना लेकर आवे, नहीं उसकी खरीद हो रही है तो पार्लियामेंट में तो नई मंडी खुल गई है, नया ऑप्शन उसका मिल गया है और वहां पर उसकी खरीद जरूर हो जाएगी। एमएसपी कम पे किसान अपना माल ना बेचे। युवाओं को बधाई देना चाह रहे हैं, गाड़ी अपने रिश्तेदारी में ले जाने के लिए रखो, अगर आंदोलन में कहीं जा रहे हैं तो ट्रैक्टर रखो और अपने ट्रैक्टर को बढ़िया तरीके से रखो, उसमें बढ़िया बाजा गाजा बजा कर रखो और उसमें बढ़िया बम्पर लगा कर रखो आगे, क्योंकि ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है। जब वो धरती को फाड़ता है तो आगे कहीं बैरिगेटिंग मिल जा, दीवार मिल जा, कच्चीपक की खाई मिल जा, उसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए तो टैंक ही तो काम आएगा। यही तो ट्रैक्टर है किसान का, जो ट्रैक्टर है यही टैंक का काम करता है। तो दोनों चीज करते हैं, जब ये जमीनों को फाड़ के अन्न उपजाता है तो कोई रुकावट करता है तो उसके लिए भी तो ट्रैक्टर ही काम करेगा। देश में एमएसपी नहीं मिल रही और दिक्कत बहुत है पूरे देश में किसानों को, किसानों को है, मजदूरों को है, उनके भी जो अनाज है वो कैद होने जा रहा है, तो उसको भी आज़ादी दिलवानी है। यहाँ के जो श्रमिक कानून है वे भी बहुत लॉस चेंज कर दिए, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी भी पेंशन बंद कर दी, पुलिस फोर्स की 2004 के बाद में उनकी पेंशन बंद कर दी। तो जब एमपीएमएनयू की पेंशन है तो उनकी भी या तो पेंशन बहाल हो या उनकी भी खत्म हो, ये सारी चीजों पे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। और हर जिसको वोट आदमी देता है तो उससे जरूर ये क्वेश्चन करें कि हमारी पेंशन नहीं है तो आप पेंशन छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। महिलाएं भी आंदोलन करने की बात कर रही, एक दिन वो कह रही थी एक दिन हमारा लिया भी रख दो कि गैस का सिलेंडर हम भी अपने घर के बाहर रख ले एक दिन के लिए। तो वो भी एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है, उनकी भी एक तैयारी कर रही है महिलाओं का लिए। नहीं तो ये मैसेज आप अपने तरफ से दे रहे हैं कि लोग सिलेंडर लेके घर के बाहर आ जाएं। जो तारीख देनी उनकी महिलाएं क्या है, उन्होंने आज कहा कुछ महिलाएं मिली थी, अब ये एक प्रोग्राम हमारा भी कर दो, गैस का सिलेंडर 350 रुपए 800 रुपए पे कुछ जा लिया, तो उनकी भी एक तारीख जरूर देनी पड़ेगी। नहीं तो एक आरोप और लगेगा आप पे कि राकेश टिकैत जो है महिलाओं को भी भड़का रहे हैं। नहीं, तो भड़का रहे हैं तो जो कुछ उनकी जमा जो कुछ वो गैस का सिलेंडर लूट लेगा कंपनी वाले, तो एक दिन का प्रदर्शन हो जाएंगे। ये इन्होंने भी तो करा था जब ये सत्ता में नहीं थे बीजेपी के लोग, तो ये गैस का सिलेंडर लेकर बैठे हुए थे सब, तो एक दिन गैस का सिलेंडर लेकर बैठ जाएंगे सब अपने घर के बाहर सड़क पर बैठ जाएंगे। हमारे जो प्रोग्राम है वो 5 अप्रैल तक के प्रोग्राम अभी लग रहे हैं, यहाँ पे भी रहेंगे हम, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, उड़ीसा भी जा रहे हैं, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह जा रहे हैं। अलग अलग डेट में अलग अलग प्रोग्राम है, वो चार्ट सब लोगों के पास में पहुंच जाएगा। अपना खान पीन का ध्यान रखें, अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रखें और आंदोलन पर ध्यान रखें। एक नज़र दिल्ली के आंदोलन पर है, दूसरी नज़र अपने खेत पर है और तीसरी नज़र जो नई मंडी खुली है पार्लियामेंट की उस पर भी नज़र रहे, ये नज़र आपको जरूर रखनी पड़ेगी। वहाँ पर जैसे खाना मिलता है बहुत सस्ता मिले, 1 रुपए का रसगुल्ला मिले वहाँ पे 8 रुपए में डाइट मिल जाती है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे कम से कम ये तो तय जरूर हो जाएगा कि जो हमारी फसलें हैं वहाँ पे। अब तो पैन कार्ड धारक कोई भी वहाँ पे खरीद लगा तो खरीद की सुनिश्चित वहाँ पे हो जाना चाहिए, नई मंडी की व्यवस्था हो जाए, ट्रक लगा लो वही धर्म कांटा लगाओ और अपना तुलर लेते रहो। मोर्चे पाबंद रहेंगे और कोई भी पुलिस प्रशासन मोर्चों की तरफ देखने की कोशिश मत करना, ये मोर्चे हम रहे ना रहे
मोर्चे बगैर बातचीत के हट नहीं सकते। किसान एकता जिंदाबाद। ये कान खोल कर सुन ले पुलिस प्रशासन, अगर मोर्चों की तरफ आपने देखा तो थाने हर गांव गांव में थाने हैं, हर जिले में। जो भी इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो किसान वहां डिस्टर्ब करेगा इनको। ये किसान के परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमको अपना खेत का भी काम करना है और मोर्चों पे भी किसानों को रहना है, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। किसान अपने मोर्चे भी चलाएगा, किसान आंदोलन भी चलाएगा, ट्रैक्टर भी चलाएगा, और ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है और ये दिल्ली भी वही है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। किसान एकता जिंदाबाद। राकेश टिकैत जिंदाबाद। राकेश टिकैत, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।